दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं नगर पंचायत फाजिलनगर, जिसको हम पावानगर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो में एकदम अच्छी तरीके से आप लोगों को भगवान महावीर स्वामी का जो मंदिर है, मैं इस वीडियो में एकदम अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों ये जो आप मंदिर देख पा रहे हैं, ये भी महावीर स्वामी का ही मंदिर है, जो कि दिगंबर जैन मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लेकर चलते हैं आप लोगों को और आगे, जो मंदिर फाजिलनगर में उस मंदिर को भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसके अंदर का कुछ आपको दृश्य दिखा देता हूँ। दोस्तों हम फाइनली मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। मंदिर के अंदर का कुछ आप लोगों को दृश्य दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इधर के साइड में दोस्त आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से फूल पत्ती वगैरह लगा दी गई हैं। और दोस्तों इधर के साइड में आप देख सकते हैं एक टैंकर, एक ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इधर के साइड में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से एक दुकान आ चुकी है। और कुछ आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं कि उधर के साइड में आपको ब्रेंच वगैरह भी मिल जाएंगी, जो कि बच्चों को पढ़ने के लिए है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी ये जो स्थान है नगर पंचायत फाजिलनगर के, जैसे जो भी यहाँ पे काम हो रहा है उसी के अंतर्गत में यहाँ पे सामान वगैरह रखा गया है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ शुद्ध पेयजल। और इधर के साइड में हमारे असलम भाई हैं, जो कि यहाँ पे जेसीबी लेके आए हुए हैं, जो कि अभी जेसीबी को अब लेके जाने वाले हैं काम पे। तो दोस्तों इधर के साइड में आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे बनवाया गया है, जो कि भगवान महावीर स्वामी जी का जो मंदिर है। दोस्तों यहाँ पे काम चल रहा था अभी कुछ दिन पहले ही, यहाँ पे खुदाई हुआ था थोड़ा सा, जो कि यहाँ पे शायद कोई जैसे वाटर वगैरह का जो फुहारा वगैरह लगता है वही चीज़ बनने वाला था, लेकिन अभी फिलहाल इस काम को रोका गया है। और इधर के साइड में दोस्त आप देख सकते हैं महावीर स्वामी जी का कितनी अच्छी तरीके से एक स्तूप बनवाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं अपने ही आँखों से। दोस्तों ये जो आप गेट देख पा रहे हैं, यहीं से दोस्तों हम लोग अभी जाना होगा और नौका विहार पावानगर में भी, तो आप लोग जा सकते हैं। तो इधर के साइड में दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ के साइड में हमारे दो भाई लोग हैं यहाँ, उन लोगों को भी आप लोग देख लीजिए। मैं बता चलिए आपको कि 10 KVA का सोलर प्लांट लगा है, जो कि यहाँ पे 20 बैटरी को लगा करके यहाँ पे चारों तरफ की लाइट की सप्लाई भी दी जाती है, जो कि नगर पंचायत फाजिलनगर के तरफ से। दोस्तों इधर के साइड में आप देख सकते हैं ये वाला जो आप स्तूप देख पा रहे हैं, ये बहुत पुराना स्तूप है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों कितने ऊँची स्तूप है। और इधर सामने ही आपको गेट मिलता है, इसी गेट के नीचे से आपको नौका विहार भी जाना होता है। तो चलिए दोस्तों हम लेके चलते हैं फाइनली अब पावानगर का जो मंदिर है, जो कि फाजिलनगर में स्थित है। फाजिल बैठने के बाद से दोस्तों ये सामने के साइड में देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से जो गेट है, इसी गेट के नीचे से हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद से दोस्तों हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं बहोच वाले रोड पर, जो कि दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि नगर पंचायत फाजिलनगर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। यही रास्ता अगर पीछे के साइड में आप चलेंगे तो अभी आप यहाँ से बगोच की तरफ चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लेके चलते हैं फाइनली आप लोगों को महावीर स्वामी के मंदिर पर। यहाँ पे चलने के बाद से आपको एकदम अच्छी तरीके से वहाँ का जो भी दृश्य मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। हैं भगवान महावीर स्वामी का जो दिगंबर जैन मंदिर है वहाँ पर। तो चलिए दोस्तों हम लेके चलते हैं आप लोगों को अंदर के साइड में, और आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाते हैं मंदिर कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। दोस्तों मैं आप लोगों को बाहर के साइड से दिखा रहा हूँ मंदिर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लेके चलते हैं फाइनली मंदिर के अंदर। तो मंदिर के अंदर कितने अच्छी तरीके से कुछ दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों को भी दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों इधर के साइड में आपको दिखाना चाहता हूं ये जो गेट देख पा रहे हैं, और इधर के साइड में दोस्त मंदिर काफ़ी खूबसूरत तरीके से बनवाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। दोस्तों इधर के साइड में जो मैं आप लोगों को दृश्य दिखा रहा हूँ, इधर के इस साइड में जो भी जैन धर्म के टूरिस्ट लोग आते हैं, उन लोगों को इसी मकान में रहने के लिए रखा जाता है, जो कि खाना पीना की व्यवस्था इसी मकान में रहता है। इसमें लैट्रिन बाथरूम वगैरह हर चीज़ का फैसिलिटी आप लोग
आपको उपलब्ध मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम फाइनली लेकर चलते हैं आप लोगों को जैन मंदिर के अंदर और आप लोगों को महावीर स्वामी जी का भी दर्शन कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। मंदिर काफ़ी सुंदर और आकर्षक बनाया गया है। यहाँ का जैन मंदिर में मैंने पहली बार आज जा रहा हूँ, जो कि महावीर स्वामी जी का दर्शन करने के लिए, और आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से आपको भी दर्शन करा रहा हूँ। मंदिर के अंदर काफ़ी ज़्यादा सफाई का बिल्कुल ध्यान दिया गया है। मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ, मैं भी अपने आंखों से भी देख पा रहा हूँ कि मंदिर में किसी प्रकार की 1% की भी गंदगी नहीं है। तो चलिए एक बार हम अच्छी तरीके से भगवान महावीर स्वामी जी का दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से भगवान महावीर स्वामी जी के साथ साथ 3-4 मूर्ति और भी यहाँ पे रखी हुई हैं, जो कि आप लोग अपने ही आंखों से देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि नगर पंचायत फाजिल नगर का सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ अब तक का हमारे देखने से मंदिर जो मिला है, वो जैन मंदिर पावानगर फाजिल नगर का है। अब हम आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से जो भी दीवार पे और जो फोटो लगा करके यहाँ पे बनाया गया है, मंदिर के अंदर सजाया गया है, मैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इधर की साइड में आपको लाइब्रेरी मिल जाता है, जिसमें महावीर स्वामी के रिलेटेड जो भी यहाँ पे कापी किताब है, आप आ करके यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। और आपके सामने मैं फिर से एक बार और अच्छी तरीके से भगवान महावीर स्वामी जी का दर्शन करा देता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो आप लोगों का कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे।